दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद जो है टेक्नीशियन और रेलवे जेई और असिस्टेंट लोको पायलट के खाली हैं, तो इसी क्रम में अब जो है चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपकी रेलवे के द्वारा महाभर्ती का आयोजन किया जाने वाला है। इसके लिए रेलवे बैक एंड पर अपना काम जारी रख चुकी है। अब जो आपकी वैकेंसी आएगी ये गुड्स गार्ड और रेलवे ALP की वैकेंसी आएगी, इसके अलावा आपका SSC की वैकेंसी आएगी, इसके अलावा आप लोगों के और भी बहुत सारी वैकेंसी जैसे टेक्नीशियन वगैरह की वैकेंसी को देखने मिल सकती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हो सकता है तो 50,000 और आपके ग्रुप डी की भी वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी ऐड ऑन, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो है ये कंटिन्यूअस आप लोगों के वैकेंसी के प्रेशर में है, क्योंकि यहां पे पदें बहुत ज्यादा खाली हैं। अगर हम बात करें अभी जो आगामी NTPC ग्रुप डी चल रहा है, अगर इसको भी अगर कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद भी बहुत सारे पद जो है ये रेलवे में खाली रह रहे हैं, जिसको लेकर के अभी अगले मतलब लोकसभा चुनाव तक इसके पहले आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट करके रेलवे के सारे खाली पदों को भरने की तैयारी चल रही है। देखते हैं इसमें क्या कुछ न्यूज में निकला हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि संवाददाताओं को संबोधित करते हुए GM अरुण अरोड़ा के साथ में प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जरीना फिरदौसी, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर प्रशांत मिश्रा, ज्योतिषा कुशुमाकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एकलव्य चक्रवर्ती एवं अन्य, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से निकल के आ रहा है नोटिस कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2023 के आखिरी तक हजारों खाली पदों को भरने की प्लानिंग के साथ एक मेगा भर्ती अभियान शुरू किया है, और यह अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे के लिए गेम चेंजिंग का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह कहना है कि पूर्व रेलवे के GM अरुण अरोड़ा का, उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे आगामी दिनों में 2,00,000 लोगों की भर्ती करेगी, ठीक है। वही अगर हम पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें, सिर्फ आप अगर ईस्टर्न रेलवे की बात करोगे तो 14,700 लोगों की भर्ती इसमें होगी, जिसमें 13,000 से अधिक आपकी सेफ्टी संबंधित अधिकारी हैं। यहां पर अधिकारी ये गलत लिखा गया है, इसमें आपके सेफ्टी से रिलेटेड असिस्टेंट लोको पायलट, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क और बुकिंग क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इसके अलावा आप रेलवे जेई को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा SSE मतलब होता है आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसके भी पोस्ट भी आपके इसी में इंक्लूड होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रेलवे SSE की जो वैकेंसी है ये कई सालों से आपकी लंबित है, यहां पे वैकेंसी कई सालों से बीटेक वालों के लिए देखने के लिए नहीं मिली है, सिर्फ आपका रेलवे जेई का ही पिछली बार आपको देखने को मिला था, वो भी 4.5-5 साल आपके लगभग हो चुके हैं पुरानी वैकेंसी के, ठीक है। रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे पर्यवेक्षकों की जो करियर उन्नयन के बारे में दायरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो काफी समय से एक ही ग्रेड में स्थिर थे। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे में पर्यवेक्षी स्तर के उन अधिकारियों के करियर उन्नयन का सुनिश्चित किया है जो वेतन का वर्तमान वेतन Level 7 या Level 8 में तैनात है। उनके आप लोगों के PB2 GP 4600 के 50% कर्मचारी हैं, सेवा के 4 वर्ष बाद गैर कार्यात्मक आधार पर ग्रुप सी को Level 8 और 4800 के अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहले से ही आप लोगों को पता है कि भाई मतलब ग्रेड पे बहुत सारे लोगों का इंक्रीज हुआ है जो पहले से रेलवे में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक स्वाभाविक परिणाम के स्वरूप में प्रत्येक पर्यवेक्षक संबंधित संवर्ग में पदोन्नति प्रतिवर्ष लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 की वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये इतनी आपकी वेतन की इंक्रीमेंट है जो कि आप लोग का प्राप्त करेंगे जो ऑलरेडी अभी ग्रुप डी में है, मतलब जो ऑलरेडी अभी रेलवे में कर्मचारी कार्यरत है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो कुल 45,000 पर्यवेक्षक निरीक्षकों की वित्तीय अनुन्नयन होगा, जो वित्त मंत्री के परामर्श से रेलवे मंत्री के द्वारा दिए गए शीर्ष निर्णय के बाद ही संभव हो सकेगा। ये आपका तो है आपका वेतन से उन्नयन से संबंधित, लेकिन आपका जो लोकसभा चुनाव है इससे पहले आपकी जो तमाम सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसमें आप लोगों की 2,00,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी होगी, 14,700 आपके ईस्टर्न रेलवे के पोस्ट पर होगा। तो जाहिर सी बात है 2,00,000 वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए जहां तक हमें उम्मीद है कि और भी मेगा वैकेंसी आपकी निकल सकती है, रेलवे टेक्नीशियन और ग्रुप डी सॉरी रेलवे टेक्नीशियन और JEE वगैरह RPF SI वगैरह की टोटल वैकेंसी ले लें तो मैक्सिमम ये 1,00,000 जाएंगी, तो इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रुप डी वगैरह के भी पोस्ट भी रेलवे में निकल सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।